हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सामग्री का निरीक्षण बाड़मेर। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग एवं जिला प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है। इसी कड़ी में शिकायत के आधार पर सोमवार को जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर द्वारा टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल विश्रोही ने बताया कि तहसीलदार प्रेम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा, मैं पुलिस जाप्ता स्टेशन रोड बाड़मेर प्रतिष्ठान जीवन मिष्ठान भंडार स्टेशन रोड बाड़मेर में मिलावट होने के अंदेशे पर प्रतिष्ठान पर छापा डाला। टीम द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया और अलग अलग खाद्य सामग्री प्रतिष्ठान पर रखी पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान पर कार्यवाही करते हुए चाशनी, यूज खाद्य तेल, नमकीन, ब्रांड जीवन तीन नमूने वास्ते जांच लिए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस तरह की कार्यवाही जिले में लगातार जारी रहेगी। इस पर बाड़मेर तहसीलदार प्रेम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा, मैं पुलिस जाप्ता मौजूद रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए बाड़मेर तहसीलदार प्रेम सिंह इन्होंने ये कहा, क्या कार्रवाई सरकार की युद्ध के अभियान के अंतर्गत के लिए काम लेने वाले तेल और मिठाई के लिए काम लेने जाने वाले सत्तर पचास निजी सर की जाँच की जा रही है। उसकी जाँच हम लोग जमीन ले रहे हैं। तो शिकायत थी सर, यहाँ पे रोड शिकायत थी, सर अन्य दुकानें जो है मिठाई मतलब वहाँ भी इसी दुकान भी कर रहे हैं। समय समय हमने की है, पहले भी दो तीन मिठाई उपलब्ध की है। अभी 21 मार्च तक जो अभियान चल रहा है उसके दौरान कराएंगे सर। अभी त्योहारों का सीजन आ रहा है, होली पर्व आ रहा है, तो ऐसे में नकली मावे को लेकर भी अभियान प्रशासन द्वारा चलाया जाएगा। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।